अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। और ये काफ़ी टाइम से कोई व्लॉग नहीं आ रहा, मैं बस ऐसी वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। इसका एक रीज़न है और बहुत ज़्यादा सैड रीज़न है इसका, क्योंकि हमारी जो फैमिली है उसके अंदर एक डेथ हो गई, वेरी क्लोज़ टू माई हार्ट, वेरी क्लोज़ टू आर फैमिली, बहुत क्लोज रिलेटिव थी मेरी जो है साथी खाला, उनकी डेथ हो गई है और बहुत सडन। शी इज़ वेरी यंग और उनके माशाल्लाह से चार बच्चे हैं, वो एक्सपायर हो गई हैं। उनको बस बहुत सडनली एक शॉकिंग न्यूज़ थी हमारी पूरी फैमिली के लिए, इसलिए मैं कोई व्लॉग नहीं बना पा रही थी, मूड नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड थी, समझ में नहीं आ रहा था। पूरे दो वीक, पिछले दो तीन वीक जो हमारे गुजरे हैं फैमिली के ऊपर, समझे कि बहुत टफ़ थे, बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन थी। बट या अल्लाह पाक जो है उनकी मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और आमीन आप लोग भी उनके लिए दुआ कीजिएगा कि उनकी अल्लाह पाक जो है मगफिरत फरमाए, सब्र दे उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को। और या बस यही, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज़ थे, मैं तो बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी और हमारी फैमिली, मतलब मेरी मदर और हम सब लोग बहुत ज़्यादा उनसे क्लोज़ थे, तो ऐसा हो गया है। कुछ भी नहीं था उनको, बस अल्लाह पाक बेहतर जानता है, अल्लाह के फैसले, अल्लाह का फैसले के आगे इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। सो नेक्स्ट डे जो है रबी अव्वल थी, और रबी अव्वल वाले दिन मेरे मामू के घर मिलाद था, तो यहाँ पे हम सब लोग बैठे हुए थे और हम लोग मिलाद सुन रहे थे। मिलाद ख़त्म हो गया था और मिलाद के बाद जो है हम लोग सब लोग, मतलब जो मेरी कज़न्स हैं, हमारा जो ग्रुप है, हम सब लोग जो है बाहर गए थे कि चलो कुछ खा पी कर आते हैं। और ये लोग गरीब हैं, इनके पास पैसे नहीं है, ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि इनको क्या लेने से, 200 रुपये इनके पास है, ये 50 रुपये लेकर आएंगे, शक्ल दिखाएं। हाँ, और अभी हम पार्टनरशिप कर रहे हैं सबके साथ, वो भी 200 लाएंगे, कह रहे हैं आधा आधा, इनके पैसे जमा कर रहे थे, ये दोनों छोड़ लिया। हाँ, ऑर्डर आने से पहले ही ये सारे इन लोग ने चंदा जमा कर दिया है मेरे पास, इनकी शक्लें देख सकते हैं। 220 220 और ये 220 सारे टोटल। व्लॉग को जो है मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, बट मैंने सोचा कि आप कंटिन्यू कर दूँ, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ था। आज मैं एडिट करने बैठी तो पता चला। अच्छा, मैं आप लोगों को जो है ना अपने दो ड्रेसेस दिखाने वाली हूँ जो कि मैंने रबी अव्वल के लिए बनाए थे, और एक मामा ने मुझे गिफ्ट किया है और एक साथ ने बनाया। तो मैंने एक आपने वीडियो में देखा होगा येलो वाला, वो मैं पहन चुकी थी, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ उसका फुल लुक।
तो जो येलो वाला ड्रेस है ना वो इस तरीके का है, मामा ने स्टिच किया है बड़ा प्यारा सा। अभी ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है आपको क्योंकि ये आयरन नहीं हुआ हुआ, और कुछ इस तरीके से इसकी ओवरऑल लुक है। और इसके दामन में इस तरीके से मामा ने डिटेलिंग करी है, बड़ी प्यारी डिटेलिंग करी है। इसका येलो ही दुपट्टा है और ये बो स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने मामा को पिक्चर दिखाई थी और उन्होंने एज इट इज़ को स्टिच करके मुझे दे दिया। तो एक ड्रेस ये है, ये वाला मुझे साद ने दिलाया था। बाकी सेकंड जो है ना ये ब्लैक एंड वाइट, मैं काफ़ी टाइम से पहनना चाह रही थी तो ये मामा ने मुझे दिलाया है। काफ़ी टाइम से मैंने ब्लैक ड्रेस नहीं बनाया था और तो मैंने ये बनाया है। और इसकी जो दामन है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से लुप्स वाली डिटेलिंग हुई हुई है लाइक दिस, ठीक है। तो ये दो ड्रेसेस हैं मेरे। एक और चीज़ आपको दिखानी थी जो कि है ये टोनर है कोकोनट वाटर का। बेसिकली इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ये कोकोनट वाटर, और ये मैं यूज़ कर रही हूँ समर्स में। आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, मतलब अगर समर्स में आपको डिहाइड्रेट हो जाता है आपका फेस और बहुत ज़्यादा स्वाइटिंग होने की वजह से आपको थोड़ा सा डल डल सा लगता है, इससे आपका फेस एकदम फ्रेश हो जाएगा। अभी मैं इसको यूज़ ही कर रही हूँ, मैंने अभी देखें थोड़ा सा यूज़ किया है, बट या अगर और ज़्यादा अच्छा हो तो मैं अपनी स्किन केयर वीडियो में इसको ऐड करूँगी, ठीक है। और बहुत जल्द मैं आपके साथ अपनी स्किन केयर वीडियो शेयर करने वाली हूँ, स्टे ट्यून्ड। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज जो है ना सुबह की शुरुआत होती है लोड शेडिंग के साथ में। बाहर इतनी ज़्यादा तपती हुई धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यार, मैं सो के ही उठ गई। मतलब कि यार क्या क्या हो गया कराची में भाई, एक तो आपने बिजली इतनी महंगी कर दी, ऊपर से लाइटें इतनी जा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा, बहुत बुरा असर हुआ हुआ है। एनीवेज अभी जो है मैं सो के उठ गई हूँ, अब मेरा मुँह देखो कितना गंदा चिकट्टा हो रहा है। बस तो बस अब जो है अभी भी नींद आ रही है, अभी जो है मूड होते हैं, देन लेट्स सी व्हाट हैपनिंग। हो गई हूँ और बस अब जाती हूँ नीचे, नीचे जाके देखते हैं क्या हो रहा है, नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ दोपहर में। और यहाँ जो है ना मैं आजल को थोड़ा सा इंसिस्ट करी थी कि उस अपना टीथ दिखा दो, उसका ना दांत निकला इतना प्यारा सा। जीजी अपना टीथ दिखा दे, टीथ मेरी बेटी का टीथ दिखा दे, टीथ सबको सबको टीथ, टीथ का है आपका, टीथ दिखाए, टीथ सबको, टीथ दिखाओ जल्दी, वाह जल्दी से दिखा दो, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, आ करो जीजी, शो मी, टीथ दिखाएं, जल्दी दिखाएं, यूं कर रही हूँ दिखा नहीं रही, जल्दी दिखा। हेलो गाइस, जल्दी कर दे, जल्दी कर दे, हेलो गाइस, जल्दी कर दे, जल्दी से, हेलो एवरीवन, ये लो, इतनी मुश्किल से शेर ने अपने मुंह में हाथ डालने दिया, मैंने मेरे शेर ने चपको चपको टाटा। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और मेरे व्लॉग्स को प्रॉपर देखना है सबको, ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।